नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आपने यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो फॉर्म है दोस्तों आपने ऑनलाइन फिल कर दिया है, और फिल करने के बाद दोस्तों अगर आप उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि अगर दोस्तों कहीं आपका फॉर्म वगैरह कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं, या फिर दोस्तों किसी प्रकार से रिजेक्ट वगैरह तो नहीं हो गया, तो अगर ये सारी जानकारी अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो मेरा नाम नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 95। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें दोस्तों आपको टाइप कर लेना है upssc.gov.in। तो मैं यहाँ पर दोस्तों टाइप कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप इसे टाइप करेंगे upssc.gov.in, आपको उसे सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल की जो मुख्य वेबसाइट है आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो एप्लीकेंट सेगमेंट वाला एक ऑप्शन है, इसमें दोस्तों आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। आप यहाँ से अगर आप अपनी जो भी डिटेल है वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फॉर्म की डिटेल प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो अपने उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन फिल कर दिया है upssc की वेबसाइट पर, तो दोस्तों आपको उसका जो स्टेटस है वो आपको किस प्रकार से चेक करना, यही सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म के नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको नो योर स्टेटस, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा नो योर स्टेटस। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर एक ऑप्शन मिलता है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा चेक कैंडिडेट एप्लीकेशन स्टेटस। अगर दोस्तों आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन, आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल में दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, आपके मैसेज में आया होगा, या फिर दोस्तों आपकी मेल पर आया होगा, वही है दोस्तों आपको यहाँ पर फिल करना है। और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी वह पर फिल करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिया गया है ये इस वाले बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी है वो दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, और उसके बाद सब सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी जो डिटेल है यहाँ पर फिल कर दी। जैसा कि दोस्तों मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस वाले बॉक्स में फिल कर दिया और डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी, और यहाँ पर मैंने अपना जेंडर चूज कर लिया है, और जो कैप्चा दिया हुआ दोस्तों मैंने कैप्चा यहाँ पर फिल कर लिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सबमिट वाला जो बटन है यहाँ पर दोस्तों ग्रीन नक्शा आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट करते दोस्तों आपके सामने कुछ ग्रीन रंग से यानी येलो रंग से दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पर येलो रंग से यहाँ पर जो इस तरह का पॉपअप विंडो खुलकर आपके सामने खुलकर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ मिल जाएगा योर एप्लीकेशन विद आईडी नंबर। तो दोस्तों आपका ये वही आईडी नंबर है जो आपने जब फॉर्म फिल किया था, तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन आईडी नंबर मिला था, ये वही आईडी नंबर है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ मिल जाएगा योर एप्लीकेशन विद आईडी नंबर हैज रीच्ड टू कमीशन ऑफिस एंड इट इज़ अंडर वेरीफिकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो फॉर्म है दोस्तों कमीशन यानी कि दोस्तों आयोग की वेबसाइट पर दोस्तों फिल हो चुका है, और दोस्तों ये अभी अंडर वेरीफिकेशन प्रोसेस में है। जब तक दोस्तों आप इसी तरह से अपना स्टेटस चेक करते रहिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेस है वो थोड़े दिन के बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म वो दोस्तों अंडर प्रोसेस के यहाँ से प्रोसेस से हट जाएगा, और दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से जब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर योर एप्लीकेशन विद आईडी नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कमीशन ऑफिस एंड इट इज़ अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। दोस्तों इस तरह से आपका जो फॉर्म है अभी दोस्तों यहाँ पर इनकम्प्लीट भी नहीं है, और ना ही दोस्तों आपका अभी ये रिजेक्ट हुआ है, आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से फिल हो चुका है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपका जो फॉर्म है दोस्तों कमीशन की वेबसाइट पर पहुंच चुका है, और यहां से दोस्तों अभी अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। इसका दोस्तों सत्यापन है वो थोड़े ही दिन बाद दोस्तों यहां पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसी तरह से हम चेक करते रहेंगे तो आपका यहां पर जो फॉर्म है दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे दोस्तों आने वाले नोटिफिकेशन और नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।